हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग हमारे अतीत भाग एक, कक्षा छ, अध्याय एक, क्या, कब, कहाँ और कैसे से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। आप इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैप्टर को जरूर देख लेंगे, ये पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड है। और जल्दी इस लेसन से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ताकि आप एग्जाम बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आखेटक शिकारी को कहा जाता है। अब यहां ये भी प्रश्न उठ सकता है कि आखेट मीन्स क्या होता है? तो आखेट करना यानी शिकार करना। याद हो गया? नहीं याद होगा तो आप जब भी बातचीत कीजिएगा, जो इसमें शब्द आपको याद नहीं होगा तो बातचीत करते समय वो शब्द यूज कीजिएगा, हमेशा के लिए ही याद हो जाएगा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं कि मेन पॉइंट उसका क्या है। तो आज से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, कितना वर्ष पूर्व? 8,000 वर्ष, मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो किसको उपजाना आरंभ किया सबसे पहले? गेहूं और जौ को। तो इसको याद रखेंगे आप, गेहूं और जौ। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ पे और क्या आ जाता है? चावल। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहले कि हमें क्या सबसे अच्छा लगता है, तो या तो हम रोटी खाते हैं नहीं तो चावल खाते हैं। तो हम रोटी ज्यादा यहां पसंद करेंगे, तो सबसे पहले यही आया था। इसमें ये भी देख सकते हैं याद करने के लिए कि चावल देर से आया। क्यों देर से आया, मतलब सबसे पहले ये क्यों हो गया? क्योंकि चावल को अगर निकालना हो ना उसमें से, धान में से चावल, तो थोड़ा लेट लगता है, थोड़ा विघ्न वगैरह हो जाता है कि ये करो वो करो, तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और गेहूं जाओ तुरंत, याद हो गया, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अब चलते हैं आगे। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। सबसे पहले चावल जहां उपजाया गया, तो विघ्न मैंने बोला विंध्य है, तो विंध्य के उत्तर में स्थित है, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जो भी मदद करने वाली नदियां होती है ना, किसे कहते हैं? जो जाके मिल जाए बड़ी नदी में, याद हो गया। जो हेल्प करने वाली नदियां हुई, जाके किस में मिल जाएगी? हेल्प कर रहा, तो जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हेल्पिंग वाले होते हैं ना, मदद करने वाले, तो वो मदद कर रहे हैं साइड साइड से, जाके हमें मिल जाए, वही है आपकी सहायक नदियां जो बड़ी नदी में जाके मिल जाती है। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्तीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये डेट याद रखिएगा, 2500 वर्ष पूर्व हुआ। नर्मदा नदी के किनारे के लोग जानवरों का आखेट करते थे। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी, ये याद रखिएगा, नर्मदा नदी के किनारे को जानवरों का आखेट करते थे। तो आपको आखेट शब्द याद करना ही है, क्योंकि आखेट मीन्स होता है शिकार करना। तो कहां करते थे वो लोग? तो नर्मदा नदी के। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, मगध नाम, ये याद रखिएगा। तो कहां का क्षेत्र? गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र, दक्षिण में, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट है, यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। यात्राओं मीन्स यहां से वहां यात्रा करते हैं, तो इससे क्या मिलता है हमें? तो विचारों को जानने का अवसर मिलता है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं यात्रा करने, तो किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके विचारों से अवगत होते हैं, तो अवसर मिलता है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, याद रखिएगा, इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सिंधु को अंग्रेजी में इंडस कहते हैं, उसी से बना है इंडिया। संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। इंडस को संस्कृत में हम लोग सिंधु कहते हैं, और इंडस से ही बना है इंडिया। अब इसमें एक और पॉइंट है, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले, उत्तर पश्चिम याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम से आने वाला ईरानियों और यूनानियों ने, ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित
भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, को स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, ये तो आपको याद रहेगा जो भूमि प्रदेश में है तो उसे इंडिया कहा, लेकिन हिंदोस और इंदोस कैसे याद करेंगे? ईरानी थे हिंदोस, यूनानी हिंदोस, हिंदोस यानी हिंदुस्तान समझ जाइए, इंदोस मीन्स इंडिया समझ जाइए। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। भारत नाम का प्रयोग, भारत से भारत बना, ये याद रखिए तो नाम याद रहेगा आपको। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलती है। एक समूह के लिए इसका प्रयोग, किसका प्रयोग हुआ था? भरत नाम का। पुस्तक के हाथ से लिखी जाने के कारण पांडुलिपि कही जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पांडुलिपि। हाथ से लिखने वाले को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। नहीं आपको याद रहेगा तो दो बार रटिएगा, और नहीं तो यूज कीजिएगा, हाथ से लिख के दे रहे हो पांडुलिपि है, बस दो बार यूज कीजिएगा, प्रैक्टिकल याद हो जाएगा। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। अगर इसको बुक में देखिएगा, एक बार बुक देख लीजिएगा, उसमें लिखा है हाथ है कमा से निकला, तो हाथ से निकला है ऐसे देख सकते हैं। अगला है पांडुलिपियां प्राय ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद भी कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा भी जाता है। पांडुलिपियां जो होती है ताड़पत्र जानते हैं वो, अथवा हिमालय क्षेत्र में, देखिए इस उस समय बहुत ज्यादा धार्मिक लोग रहते थे इसीलिए हिमालय से ये जुड़ा हुआ है, ऐसे याद कर सकते हैं। अब भुजा से संबंधित है भुज, भुजा आपको हाथ याद रहेगा तो भुज भी आपको याद रहेगा। भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र, भुज है भुजा है तो भोजपत्र भी आ गया, इसी से संबंधित है, पर लिखी जाती थी, भोजपत्र जो होता था उसी पे लिखी जाती थी, ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले, याद हो गया। किस पे लिखी जाती थी? पंडुलिपियां जो हाथ से लिखी जाती थी तो वो किस पे लिखी जाती थी? ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पे लिखी जाती, भोजपत्र पे। भोजपत्र कैसे मिलता था हमें? को भोज नामक पेड़ से मिलता था, ये कहाँ होता था? ताड़ पत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में। इसका प्रयोग किस में करते थे? को पांडुलिपिया को लिखने में, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांडुलिपिया अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? स्रोत, कि ये स्रोत है। जैसे किसी भी चीज पहले से लिखी हुई है, जब उसको हम देखते हैं तो ये कहते हैं ये इसका स्रोत है। जैसे मैं कोई वीडियोस दिखाता हूं, कहता हूं यहां से मिला है, तो ये इसका सोर्स है यानी स्रोत है, यहां से मैंने लिया है। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है, अतः 2000 वर्ष करने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। अगर कहा जाए केवल 2000 वर्ष तो हम समझेंगे कि 2000 वर्ष कब हुआ? ईसा मसीह के जन्म के बाद 2000 वर्ष। अगर ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ई पू यानी ईसा से पहले, ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र में उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहां से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। ये नाम याद रखिएगा, रोसेटा एक क्या है, ये कस्बा है, कहाँ है? कम मिस्र के उत्तरी तट पर। और यहां से क्या मिला है? एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है, और उस पत्थर पे क्या है? एक ही लेख को तीन भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है।
याद हो गया? एक पत्थर मिला, कहां मिला? रोसेटा नाम के कस्बे पे। ये रोसेटा कहां है? कम मिस्र के उत्तरी तट पे है। और इस पे क्या विशेष है कि इसको याद रखेंगे? को तीन भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नर्मदा घाटी में, ये घाटी याद रखिएगा, नर्मदा घाटी जहां आखेट वगैरह शिकार करते थे, नर्मदा को, नर्मदा घाटी में आखेट तथा संग्रह का प्रयोग होता था। मगध प्रथम बड़ा राज्य बना। गारो पहाड़ियों ने सर्वप्रथम आरंभिक कृषि का प्रारंभ किया। गंगा घाटी पहला बड़ा राज्य बना। कृषि का आरंभ 8000 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ, यानी आरंभ हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व हुआ। वर्तमान का अध्ययन हम लगभग 2000 वर्ष पूर्व को मानकर करते हैं। वर्तमान का अध्ययन हम सभी 2000 वर्ष पूर्व को मानकर करते हैं। अब चलिए इसमें हम लोग देखते हैं इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईपू का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई, लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। यानी कॉमन एरा किसको कहेंगे? सीई के लिए, सी से कॉमन, इसे एरा। बीसी का बिफोर बिफोर, सी फोर कॉमन, ई फोर एरा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। कभी-कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को याद कर लेते हैं। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 पूर्व। ये याद रखिएगा, हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न आए। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि मुझे भी लगे कि आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखा है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देंगे कैसे? तो या तो आप लिख सकते हैं नर्मदा घाटी, और ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ए मानेंगे, इसको भी एक या ए मान सकते हैं, इसको भी बी या दो, इसको सी, इसको आपको मानना होगा तीन या सी ही, इसको आपको डी, इसको चार या डी, इसको ई, इसको पांच या ई। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं कि एक का आपका सी होगा, बी होगा, जो भी हो, या एक का तीन हो, चार हो, जो हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और लाइक बटन जरूर दबा दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।